आगरा के 32 केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 15 जून तक चलेंगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को सकुशल और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया है। आगरा के 32 परीक्षा केंद्रों पर 26 अप्रैल से सीबीआई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। पहले दिन दोनों पारियों में छात्र छात्राओं ने अपने फर्स्ट धम के एग्जाम दिए। ये परीक्षाएं 15 जून तक आयोजित की जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल और छात्र छात्राओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2 साल की लंबी अवधि के बाद छात्र छात्राएं फिजिकल तौर पर इस बार परीक्षा में सम्मिलित हुए। अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि परीक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने की वजह से छात्रों को भी सहूलियत है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सरकार को और सीबीएसई को बधाई देना चाहूँगा कि आज फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं और ये टर्म 2 हो रहे हैं। इस साल ये तय किया गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्ज़ाम्स होंगे और उसके ऊपर बच्चों का मूल्यांकन होगा। ये एग्ज़ाम 10th और 12th के 26 अप्रैल से शुरू हो गए हैं जो कि 15 जून तक चलेंगे। अगर हम आगरे की बात करें तो ये 32 स्कूलों में इसके सेंटर पड़े हैं और इस साल सेंटर भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं और उसका पर्पस सिर्फ सीबीएसई का यही है कि बच्चों को ज़्यादा ना चलना पड़े और दूसरा एक स्कूल में ज़्यादा से कम बच्चे रहे जिससे कोरोना का भी उस पर असर ना हो। डीजी मजनी, उसके लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।